भगवान का शरीर दिव्य है, सब चीज दिव्य है, शरीर ही नहीं। और भगवान का ध्यान करना ये पहली कक्षा की पढ़ाई है। भगवान का स्मरण करो, ये पहला काका काका है। मन से स्मरण करो, और तो कुछ है नहीं तुम्हारे पास स्मरण करने का, मटीरियल है क्या? मन, मन स्मरण करता है, उसी के अंडर में ये पांच ज्ञानेंद्रियां हैं, कान का शब्द, त्वचा का स्पर्श, आंख का रूप, रसना का रस, नासिका का गंध, ये पांच सब्जेक्ट का अध्यक्ष है मन। और तो पांच कर्म इंद्रियां हैं, वो तो कुछ कर नहीं सकती। तो वैसे तो ज्ञान इंद्रियां भी कुछ नहीं कर सकती, मन ही करता है। इसलिए मन से ही ध्यान करने की बात सब शास्त्र वेद संत कहते हैं। आंख से कोई मतलब नहीं, कान से कोई मतलब नहीं, रसना से कोई मतलब नहीं, मन से स्मरण करो, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और इन पांचों इंद्रियों से भक्ति करो और मन से न करो तो 0/100 मिलेगा। आंख से तीर्थों में जाके पत्थर की मूर्तियों को देखो, गंगा जमुना नहाओ, तमाम पुराण शास्त्र वेद का लेक्चर सुनो, इससे काम नहीं बनेगा। मन का अटैचमेंट करना होगा। एक बार मैं स्वयं त्रिवेणी इलाहाबाद में एक जस्टिस रघुवर दयाल थे, उनके घर पे ठहरा था, तो उनकी फैमिली भी गई, हमको भी ले गए। हो तो जब पहुंच गए संगम पर, हमने कहा तुम लोग नहाओ, हम नहीं नहाए। तो उनका लड़का था एक, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमारे पापा इनको इतनी श्रद्धा वो रखते हैं और ये आकर के यहाँ नहीं नहाए। खैर हम लोग लौट आए, रघुवर दयाल तो हम जानते थे हमारे स्वभाव को, तो उसने कहा डैडी से कि डैडी ये बड़ा हमारे दिमाग में बड़ा गूंज रहा है सवाल कि महाराज जी नहाए तो नहीं। तो उन्होंने कहा तू ही पूछ। तो बहुत डरता डरता आया और पूछा कि आप नहाए नहीं। हमने कहा कि ऐसा है कि गंगा जी के दर्शन करने से तो माया चली जाती है, ऐसा लिखा है शास्त्र में, तो नहाने से क्या होता होगा। अरे भाई जब माया चली गई दर्शन से तो फिर नहाने की जरूरत क्या, सब पाप तो चला गया, पाप समाप्त हो गया, तो फिर लोग क्यों नहाते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन किया। तो हमने कहा लोगों को विश्वास नहीं है कि दर्शन करने से पाप चले जाएंगे, इसलिए नहाते। और फिर लोग जानते नहीं गंगा नाम की पर्सनैलिटी क्या है, वो तो पानी में नहाते, ये पानी तो बर्फ से पिघल करके बन करके आया है गंगोत्री से, ये गंगा थोड़ी है। गंगा का जो स्वरूप है दिव्य, उसको लोग जानते ही नहीं, वो तो कहते हैं हम डुबकी लगाया है, हो गया गंगा स्नान, गंगा जी की कृपा हो गई हमारे ऊपर। तो मन माइक है, इसलिए उसका कोई भी ध्यान कोई भी चिंतन माइक ही होगा। करोड़ कल्प कोई मर जाए प्रयत्न करके तपस्या करके, मन माइक है, इसलिए उसके द्वारा जो चिंतन होगा माइक होगा, फल माइक मिलेगा।
तो फिर ये मन माइक से चिंतन करके तमाम संत कैसे बन गए? अनंत संत बने पास्ट टेंस में, वर्तमान में भी कुछ होंगे, तो ये इनका भी तो मन माइक था। कोई ऐसा जीव नहीं है जिसका मन दिव्य हो, अनादिकाल से मायाबद्ध है जीव। तो मायाबद्ध का मतलब उसका मन माइक है। तो फिर कैसे? तो इसलिए वो कह रहा है, महाराज आपके ध्यान करना मैं चाहता हूं, लेकिन कृपा करके मेरा मन दिव्य बना दो, तब तो दिव्य शरीर का ध्यान करूं। दिव्य मन से दिव्य वस्तु को हम साक्षात्कार करते हैं, सब्जेक्ट बनाते हैं, और माइक से माइक को बनाते हैं। बड़ी सीधी सी बात है। माइक में भी इतना वैलक्षण्य है, कान से देख नहीं सकते माइक पदार्थ को। अरे कान माइक है, हाँ, पंचमहाभूत का बना है, हाँ, और ये सामान भी पंचमहाभूत का है, हाँ, तो कान से देखो ना, है पंचमहाभूत का सामान होकर भी पंचमहाभूत की इंद्रिय से ग्रहण नहीं किया जा सकता। तो फिर प्राकृत मन से भगवान का कैसे ग्रहण होगा? प्राकृत आंख से भगवान को कैसे देखेंगे? अनंत बार देखा है हम लोगों ने रामकृष्ण को, अनंत बार, लाख दो लाख बार नहीं। हम इसी प्रकार चल रहे हैं, जैसे आज हैं, कृष्ण अवतार हुआ हमारे सामने, राणा अवतार हुआ, तमाम अवतार होते रहते हैं, लेकिन जाकी रही भावना जैसी, हमारी इंद्रियां, हमारा मन सब प्राकृत है, बुद्धि प्राकृत है, हमको प्राकृत दिखाई पड़े हो, कॉमन मैन दिखाई पड़े। अब ये जनक जी कहते हैं हम पागल हो गए, सरकादिक कहते हैं हम पागल हो गए, अब पता नहीं कैसे पागल हो गए, हमने तो देखा तो हमने तो कोई खास बात पाई नहीं, बल्कि हमारा जो सगा बेटा है उसमें हमें देख के अधिक सुख मिलता, भले ही उसकी आंख छोटी है, कान टेढ़ा है। वो माइक वस्तु से दिव्य वस्तु का ग्रहण नहीं हो सकता। पाश्चात्य फिलासफरों ने ये मान लिया है कि अगर भगवान माइक बुद्धि से जाना जा सके तो वो भगवान माइक होगा, और अगर दिव्य भगवान है कोई तो माइक इंद्रिय मन बुद्धि से ग्राह्य नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं, देखो भाई ऐसा है कि तुम्हारे लिए हम एक रियायत करते हैं, रियायत। तुम्हारा मन माइक है, तुम कभी भी दिव्य ध्यान नहीं कर सकते, तो कभी तुमको भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो फिर बात क्या हुई? इसलिए मैं ये नियम बनाता हूं कि तुम जो भी मेरा रूप ध्यान बनाओगे उसको मैं असली मान लूंगा। आप सुविधा हो गई, हम चाहे जैसा रूप बनाओ, काला, नीला, पीला, सफेद, गोरा, छोटा, बड़ा, ठिगना, जैसे हमको मन की हमारी रुचि हो वैसा भगवान का रूप बना ले। अब एक बड़ा आर्टिस्ट है, उसने बड़ा सुंदर रूप बनाया, एक गांव का अंगूठा छाप गंवार है, उसने साधारण रूप बनाया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्यार कितना है उस रूप में तुम्हारा, भगवत्ता की भावना है कि नहीं, इनमें अनंत गुण है ये भावना है कि नहीं, ये कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है ये डिसीजन है कि नहीं, ये देखेंगे भगवान। और इस प्रकार इसी प्राकृत मन से ध्यान बना बना करके
और प्यार पैदा करना, अटैचमेंट। जब वो हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध होने की नौबत आएगी, तो पहले दो गुण जाएंगे, रजोगुण तमोगुण। ये जब आंसू बहा करके भगवान की उपासना करेगा तो रज तम ये दो गुण पहले जाएंगे। ये इन दोनों गुणों का नाम है अविद्या माया। और जब ये दोनों चले जाएंगे तो भगवान की एक शक्ति है, विशुद्ध सत्व कहते हैं उसको, वो आ जाएगा अंदर। तो विशुद्ध सत्व जब आएगा तो विद्या माया को भगाएगा, माने सत्वगुण को। सत्वगुण को और कोई नहीं भगा सकता साधन से, करोड़ों कल्प तप करे विश्वामित्र वशिष्ठ कोई भी, रजोगुण तमोगुण को तो भगा सकता है साधना से, सत्वगुण को यानी विद्या माया को कोई नहीं भगा सकता। उसके लिए भगवान का चैलेंज है, मामेव जे प्रपद्यन्ते माया में ताम परंतिते, जो मेरी शरण में आएगा 100% फिर मैं अपने विशुद्ध सत्व के द्वारा उसका सत्व गुण समाप्त करूंगा। जब तीनों गुण समाप्त हो जाएंगे तब मन दिव्य बनेगा। शुद्ध मन से भी भगवान का चिंतन नहीं हो सकता सही सही दिव्य। ध्यान दो, अंतःकरण शुद्ध हो गया किसी का तो भी भगवान का ध्यान नहीं कर सकता वो मन। अंतःकरण दिव्य होना चाहिए तब दिव्य भगवान को देखेगा वो। शुद्ध अंतःकरण वाले को भगवान अच्छे लगेंगे, लेकिन वो जो उनका चिदानंदमय स्वरूप है देह का, उसकी उस आंख नहीं है उसके पास देखने की, मन नहीं है। तो जब विशुद्ध सत्व की शक्ति के द्वारा मन दिव्य हो जाएगा तो फिर माया समाप्त, तो भगवत दर्शन, ये दो काम। जब माया समाप्त हो गई और भगवत दर्शन हो गया तो ये भगवत दर्शन दिव्य आंख से हो रहा है, क्योंकि विशुद्ध सत्व ने सत्वगुण समाप्त करके माया के तीनों वृत्तियों को समाप्त कर दिया, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण। तो अब वो मन दिव्य हो गया, इंद्रियां दिव्य हो गई। इसलिए दिव्य भगवान को या कोई दिव्य वस्तु को आप चत देखेगी, जैसे हम देखते हैं ये घड़ी है, ये फोटो है, ऐसे देखेगा वो दिव्य वस्तु को। तो भक्ति करते समय वो रोकर भगवान से कहता है, मेरा मन दिव्य बना दो, यानी विशुद्ध सत्व दे दो। भगवान कहते हैं, तेरा रजोगुण तमोगुण अभी समाप्त नहीं हुआ, और साधना कर, साधन भक्ति और कर, रजोगुण तमोगुण समाप्त होगा तब मैं भेजूंगा विशुद्ध सत्व, तब वो सत्वगुण समाप्त करेगा, तब मन दिव्य होगा, तब दिव्य दर्शन होगा भगवान का।